नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर गर्ग हॉस्पिटल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एक खासकर दिव्यांगजन बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक सेंटर हमने डेवलप किया है। सेंटर का नाम है प्रगति फिजियोथेरेपी एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर। स्पेशली जो डिजाइन किया है वो सेरेब्रल पाल्सी के डिसऑर्डर से अफेक्टेड बच्चों के लिए प्लान किया है। और यहाँ पर जो भी हम थेरेपी दिला रहे हैं हमारी टीम के साथ, मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ, और वो थेरेपी हम निशुल्क यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ऐसे डिसऑर्डर से अफेक्टेड बच्चे हैं उनके अभिभावक पेरेंट्स को दे रहा हूँ, एक कंसल्टेशन, एक गाइडेंस उनको मिले। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे को इसकी परेशानी को लेकर और जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल ही हताश है, निराश है, और उन्हें कहीं भी ये इस प्रकार का कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है कि ऐसे बच्चों में कुछ हो सकता है क्या। जनरली जो उनको मिलता है कि ऐसे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, आपका बच्चा जो है आप कुछ नहीं कर सकता, आपका बच्चा जो है एक तरह से ये कौन है, लॉस्ट है, तो इस तरह की उनको जो मिलता है, जो उनको ये बातें सुनने को मिलती है, तो वो बहुत ही एक हताश और निराशा की स्थिति में वो रहते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कोशिश मैं अपने लेवल पर कर रहा हूँ कि मैं ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो कि जिनके घर में इस प्रकार का बच्चा है, तो वो मुझसे निश्चित कंसल्टेशन लें, मार्गदर्शन लें, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ उनको इस संबंधित गाइड में कर पाऊँ और वो प्रॉपर जहाँ भी हों प्रॉपर वो थेरेपी ले पाएँ, प्रॉपर इसका इलाज करा पाएँ। क्योंकि एक टीम अप्रोच होती है, अगर वो यहाँ पर आ सकते हैं तो निश्चित ही यहाँ पर जो हमारी टीम है वो उनको पूरा उनको उपचार भी देगी, उनको पूरा घर के लिए भी ट्रेन करेगी कैसे आपको वो सारा कुछ घर पर करना है। तो ये बात थी। इसके अलावा हर शनिवार को मैं लाइव जुड़ता हूँ फेसबुक पर शाम को 6 बजे, तो आप वह कार्यक्रम ज़रूर देखना ना भूलें। हो सकता है आपके घर में कोई इस तरह का बच्चा नहीं हो, लेकिन आपके आसपास रिश्तेदार या पड़ोस में इस तरह का कोई बच्चा हो सकता है, तो ये वीडियो आप उनको शेयर करेंगे, उनको आप बताएंगे, तो निश्चित ही उनको इन वीडियो की मदद से काफ़ी कुछ अपने बच्चे के डिसऑर्डर के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये आपसे अनुरोध है कि आप शाम को 6 बजे ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट हो। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस आपका अगर है इस डिसऑर्डर से संबंधित, तो वो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पर, जो नंबर आपको अभी डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, उस नंबर पर आप ज़रूर वो क्वेरी डाल सकते हैं। साथ में अगर आपके बच्चे का वीडियो बना के भेजें, जिस वीडियो में उसकी एक्टिविटी जो हो नहीं रही है, जो हैम्पर्ड हुई है, जो एक्टिविटी वो कर नहीं पा रहा है, जैसे कि बच्चे को चलने में परेशानी है, बच्चे के बैलेंस में परेशानी है, उसके पोस्चर में परेशानी है, उसकी हैंड एक्टिविटी में परेशानी है, ऐसी कई समस्या हो सकती है, तो उस समस्या का ही वीडियो आप बनाकर भेजेंगे तो उससे मुझे उस समस्या को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये वीडियो आप बनाकर भेजें व्हाट्सएप पर, और साथ में आप क्वेश्चन भेजें, तो निश्चित ही आपको मैं कुछ सहायता कर पाऊँगा। तो ये एक मेरा उद्देश्य था। इस बार शनिवार को जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है हैंड एक्टिविटी पर, क्योंकि सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चों में 60 से 70% जो बच्चे होते हैं उनमें उनका हैंड फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है। यानी कि हो सकता है कि वो अच्छा चल फिर रहे हों, अच्छी वॉकिंग कर रहे हों, अच्छे वो जो खड़े हो पा रहे हों, लेकिन उनका हाथ का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो। और आपको पता ही है कि हाथ का जो एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। तो आपकी बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर हमको ध्यान देना है, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए चलने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हाथ की एक्टिविटी है। तो उस पर फोकस करके ये वीडियो जो इस बार लाइव जो हम करेंगे शनिवार को, उसको आप जरूर कनेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।